Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sri Sanvi, you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. Aaj ki jo hamari video heartbreak story in India Pakistan border aur Kashmir Valley ke andar, matlab like ye video hai aur dekh lete hain fatafat se kis kisam ka jo hai wo heartbreak hone wala hai story ke andar, because border hai wahan par Kashmir ke andar aur ek nadi jo hai wo wahan pe behti hai, us taraf jo hai wo India hai, is taraf पाकिस्तान है, मतलब कश्मीर और जम्मू कश्मीर वगैरह। तो उस वहां पे जो है वो कुछ लोगों के रिलेटिव्स उधर हैं और कुछ के इधर हैं, तो फिर वो वहां से ही हाय हेलो करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, आप लोग वहां पर जरूर विजिट कीजिएगा और वहां पर जो है वो बहुत ही इंटरटेनिंग और फनी किस्म का कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, 1990 में ये पाकिस्तान चले गए हैं। घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, वीरान। ऐसा दुख भरा मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। बाप यहाँ पे अकेले और बेटी वहाँ पे उस घर में रह रही है। हमने बहुत टाइम वेट किया था कि वहाँ से कोई निकले। शायद ये लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से है, ये तैर के नहीं वहाँ जा सकते। अब मुझे वो नहीं पता वो मछली पाकिस्तान की होगी या हमारे इंडिया की होगी। केरन वैली आए हैं भाई साहब, यहाँ से किशन गंगा बहता है, वहाँ से नीला वैली है, हमें तो दोनों साइड की मछली खानी है। नॉर्थ कश्मीर केरन वैली। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर केरन वैली। सामने पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, नून चाय और हाथ की बनाई हुई रोटी एंड इसमें ऑमलेट, बहुत बढ़िया। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉल्ड केरन वैली। कल हम पहुंच गए थे केरन वैली, श्रीनगर मेन सिटी से 140 से लेकर 150 किलोमीटर का सफर है। बहुत ही अच्छी जगह है। इस जगह की बात करेंगे तो यहाँ से हमें अपने साइड से बहुत ही अच्छी खूबसूरती देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमने स्टे किया था रात भर भाई साहब, पहली गाड़ी और पहला रूफ टॉप कैंपिंग यहाँ पे हुआ है, जो कि हमने किया कल। बड़े खुशनसीब हैं हम, बिल्कुल सामने। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका, केरन कैंपिंग, जो यहाँ पे इनके कैंप्स होते हैं, इनके रूम्स लगे होते हैं यहाँ पे। आप इधर आते हैं तो इनको कॉन्टेक्ट आप करिएगा इस नंबर पे, अगर कॉल आपको नहीं इंडिया की तरफ होगा तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आपको बहुत कम मिलेंगे, यहाँ पे इंटरनेट आपको बहुत कम मिलेगा। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सबको दिखाना बाकी है इस बॉर्डर की, जो कि आपने आज तक नहीं देखी होंगी। बहुत सारा एरिया है इसका। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का स्कूल, यहाँ की चीज़ें। दिल थाम के बैठिए और शुरुआत करता हूँ मैं अपने इस नॉर्थ कश्मीर के और एक एपिसोड में। टेंट हमें बंद करना है और एक जगह पे हमें कैंपिंग करनी है, इससे क्लोज दिखता है पाकिस्तान, वहाँ पे उधर ही हम आज कैंपिंग करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, दिल थाम के बैठिए और एंजॉय करें। इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत क्लोज डिस्टेंस है इसका, इस बॉर्डर का। और अभी पहले हम टेंट बंद करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे और ये टेंट कितना अच्छा है ना। उसको कुछ खेलना ही नहीं आता है बाबर को। बाबर मतलब बारिश है। वहां से पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये लो जी, हो गया हमारा खूबसूरत लग रहा है। गलत मैसेज आती है यहाँ से कि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी, यहाँ आपको होटल्स मिलेंगे, यहाँ पे सारा कुछ स्टॉक आपको यहीं पे मिलेगा।
और बेहतर है कि जब भी आप यहाँ आ जाए तो यहीं पे स्टॉक लिया करें ताकि इनका भी रोजगार बने। चलिए जी भाई साहब, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया वो आपको मालूम ही है, लेकिन मछली पकड़ने से पहले उसके हाथ में आई थिंक सो लग गया। मछली पकड़ने से पहले ही मैंने अपना अंगूठा पकड़ लिया। नहीं कैसे नासन गार्ड रटन बल, ये बड़ा तेज होता है यार। अब मुझे वो नहीं पता वो मछली पाकिस्तान की होगी या हमारे इंडिया की होगी। आई होप इसमें मछली फंस जाए, क्योंकि पहली बार ये एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ। केरन वैली आए हैं भाई साहब, यहाँ से किशनगंगा बहता है, वहां से नीलम वैली है, हमें तो दोनों साइड की मछली खानी है। वाह, भाई मछली फंस गई इतनी जल्दी। ओ, मगरमच्छ, मगरमच्छ फंस गई है। बहुत भारी था। ओ। सोना तो नहीं है अंदर। हेलो, मछली खाओगे? मछली सुबह सवेरे पहले मैंने टी शर्ट धोई थी वहां पे, तो अब मैंने फिर से लगा दिया क्योंकि ट्रैवल में मैंने उठाए थे तीन टी शर्ट, तो अभी ये लोग नहीं छोड़ रहे, बोल रहे हैं पहले खाना खाएं इधर उसके बाद अब दूसरी लोकेशन पे जाएं। क्या नजारा था हमारे लिए इधर। पहले यहाँ पे ना हम लंच करेंगे अब, क्योंकि इनकी मोहब्बत, इनका प्यार है, अब प्यार से बोला तो हम ना भी नहीं कर सकते। खाना खा के हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। कैसी है आंटी? ठीक है आप? अच्छे से? हम कैमरा के साथ बात करते रहते हैं, नहीं फिर अपलोड करते हैं। आप कश्मीरी करते हैं ना? कौशर? असल में कहाँ से आप? असल में कहाँ से आप? अच्छा, मालिन छे ये तिकिन उधर। अच्छा, आपके सारे घर वाले उधर से? सारे? अरे कभी इनको मिलना हो कितना टफ होता होगा। बहुत ना, भाई बहन सब उधर ही है, आप सिर्फ एक रह गए इधर। अरे रे रे, क्या फील करते होंगे ना ये। ये यही जाने, ये दाल यहीं पे निकलती है जी। यार अपने घर वालों से कितना मुश्किल होता है ना, इससे दूर रहना। यहाँ पहुँच के आप घुड़सवार भी कर सकते हैं, हॉर्स राइड। यहाँ से आगे बहुत आगे आप जा सकते हैं, वहाँ हम भी जाएंगे। और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब इससे क्लोज जो ये है किशनगंगा, वहाँ पे मैं स्टे करूँगा रात को, अपनी गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे, और वो घर दिखाऊंगा मैं आप सबको जिन्होंने यहाँ पे अपने घर छोड़े हैं फिर पाकिस्तान चले गए हैं, वो घर कैसे हैं आज, कैसे दिखते हैं, वहाँ लेके जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, अगर आप केरन आ रहे हैं तो यहाँ पे नाइट स्टे आपका ज़रूर है। अगर आपने नाइट स्टे नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। शाम का नज़ारा, सुबह का नज़ारा, और एरिया बहुत बड़ा है, एरिया में घूमना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ केरन आएंगे फिर यहाँ स्पॉट पे रुकेंगे फिर वापस चले जाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। जी भाई साहब, ये है वो घर जिनके मालिक, जिनकी फैमिली ये घर छोड़ के पाकिस्तान चले गए हैं, और घर आज भी वैसे का वैसा ही है, किसी ने कोई कब्जा तक नहीं किया है, किसी ने छेड़ा भी नहीं है। इस पे चढ़ सकते हैं ना, गिरेगा तो नहीं? यहाँ पे तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने सारे कुत्ते, ये पूरा का पूरा घर लकड़ी का हुआ करता था, और इसके छत वो भी लकड़ी का बना हुआ है। एक भी जगह पे लोहा, एक भी जगह पे सीमेंट यूज नहीं किया गया है। नीचे बेस से लेकर छत तक पूरा का पूरा लकड़ी का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस सामने होते डर की व्यवस्था, घर भी सामने नहीं है। अच्छा, लड़की आपको उधर रहती है? उधर कहाँ रहती है वो मकान? हो कौन सा? अच्छा, वो सफेद वाला मकान भी पता है उस तरफ दूसरा। अच्छा, वहाँ पे आपकी बेटी रहती है और कौन रहता है?
उसका घर वाले बच्चे शचे और कौन है। कभी देखा है ऐसे इधर आपस में? काफी टाइम हो गया तो नजर ही नहीं आता, सामने आते नहीं, तो मुझे रोशनी भी नहीं है कुछ। तो ये बड़ा दुख है मुझे पर्सनली, जब आपने वहाँ पे बोला मुझे भी मुझे रोना आ रहा था सच में, कि आपकी बेटी यहाँ पे रहती है। चलो समझे अगर इस्लामाबाद या किसी और जगह पे, मुजफ्फराबाद में, जब सामने नजर नहीं आता कुछ नहीं। तो अब चाचा बोल रहे हैं कि बेटी इस घर में रहती है सामने, बिल्कुल ये सामने है ना। ये वाला इसमें देखो, ये वाला, ये बॉर्डर्स ने ना रिश्तों के अंदर दूरियां पैदा कर, साथ वो दूसरा नहीं है। हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है नहीं। वो अगर वहाँ पे आएगी तो पहचानेगी आपको है? वहाँ पे अगर आएंगे वो तो पहचानेगी। मैं नहीं पहचान सकता। आप नहीं पहचान सकते? उनके आंखों का वो वीक है ना, पहचान। कभी पहचाना इधर उसने? कभी आए आप इधर? आता रहता हूँ, कभी पहचाने नजर ही नहीं आई पहचाने। नहीं, अगर वो देखेंगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे। और उसका दिल करता होगा अपने बाप को मिलने को। इधर से अगर देखेंगे तो देखेगी तो चलो थोड़ा बहुत सामने आएगी तो लाखी। यहाँ पे हम बैठे हैं और उनके फादर साहब यहाँ पे बैठे हैं और बेटी इस घर में है और ये जा नहीं सकते उसको मिलने। मैं नहीं कर सकता हूं। थोड़ा सा ही तो फासला है। दुख दुख भरा ये माहौल है अभी मेरे लिए बहुत। मुझे खुद इतना सोच के फील हो रहा है। लेकिन जो दर्द इनमें होगा वो कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि सामने हम सिर्फ देख सकते हैं। अगर इनकी बेटी अभी बाहर निकलती वहाँ से तो वो जरूर पहचानते इनको, लेकिन वहाँ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। अगर वहाँ पे कोई बाहर होता ना तो मैं यहाँ से चिल्लाता तो फिर देखता कोई इधर से, लेकिन उधर से अभी कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कौन कौन है फिर घर में आज? आपके घर में? मेरे में वो ऊपर वाला और कोई नहीं। अकेले हो? बिल्कुल अकेले। ओह हाँ, और इनको जाने दो इनकी बेटी के पास। तो कमाता कौन है फिर? मैं घास शास बेचता हूँ, जमीन का तो थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता। सारी से अंकल को देख के ना बहुत सैड फील हो रहा है। वो आ गई कोई, लेकिन छोटी है वो पहचान नहीं सकती है ना। तकरीबन हम आधा घंटा यहाँ पे वेट कर रहे थे चाचा के साथ, लेकिन चाचा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था कि वहाँ से कोई निकले, वहाँ वो देखें आपको, लेकिन वहाँ से कोई निकला ही नहीं। जिंदगी में पहली बार इतना दुख मैंने देखा है। कौन सा? ये अखरोट के पीछे मेरी लड़की थी। ये सफेद? नहीं, सफेद के नहीं, वो दूसरा नहीं है पीछे, तीन मंजिला, उसके आगे तीन मंजिल वाला। अच्छा, वो बड़ा सा घर? बड़े से वो तो होटल है पीछे। अच्छा, होटल है उससे आगे, उससे नीचे नहीं है सफेद। हाँ, 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 सफेद छत है। अच्छा, ये वाला घर, ओके, ये वाला घर है उनका। तो प्लीज अगर आप देख रहे हैं, ये वाला घर। अभी इस खूबसूरत से माहौल में, इसी बॉर्डर पे हम अपनी गाड़ी को भी धोएंगे पहले, क्योंकि उसके बाद हमें और एक लोकेशन पे जाना बहुत ज़रूरी है और अंधेरा होने से पहले ही वहाँ हमें पहुँचना है। वहाँ पे तो जीप वगैरह चलते हैं। लीजिए भाई साहब, पसीना भी आ गया, बट दिस इज द फाइनल लुक। अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके धोया, क्योंकि पानी का भाव बहुत ज़्यादा था तो इसलिए। हाँ, कूल साहब, ये है यहाँ के असल में नज़ारे। वाह, वहाँ पे लोग पाकिस्तान। गाड़ी धोने के बाद अब दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। माशाल्लाह, खूबसूरत मस्जिद। नाउ वी आर ऑन द स्पॉट। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। हेयर इज वन, सेकंड। वैसे मैं प्रेफर करूँगा अक्सर ऐसे नाइट स्टे करना इधर पे, बहुत अच्छा है। अंदर से मैं बाद में दिखाऊंगा, बट हमें जाना है अभी उस लोकेशन पे, क्योंकि वहाँ से आप देख रहे हैं वो वाला रास्ता, वो सब पाकिस्तान का है और अभी रास्ता बन रहा है गाड़ी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रास्ते का नाम जो है आपके नाम से रख देते हैं। नहीं, अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सलाम रहे। यार कई वो जम्मू कश्मीर के लोग कितने अच्छे उसके रोड बना रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है उनको वहाँ से। चलो चलो अटक गई है वो। थोड़ा एक्सीलेटर, थोड़ा एक्सीलेटर, एक्सीलेटर आ जाओ आ जाओ। बस बस आप आराम से इधर से निकलो। पहले तो उनकी गाड़ी निकल गई। वापसी के टाइम तो भाई साहब अच्छे से करना है। कैसे एक्सपीरियंस है आपकी? मेरी एक्सपीरियंस तो नॉर्मल ही है, बट ये वाला टायर उड़ गया था पीछे से। हाँ, वो देखा मैंने। कहाँ पे रखे आप? जहाँ मर्जी लगा। चलो आगे। आपको कैसा लगा गाड़ी यहाँ तक लाई आपने? कैसा लगा रहा आपको गाड़ी यहाँ तक लाने से पहले मैं तारीफें करूंगा यहाँ के लोगों की, क्योंकि इनको जो इत्तेहाद है ना आपस में, दैट इज लाइक, और मेहमान नवाज किस तरीके से करते हैं, अदरवाइज मैंने मुझे कभी आता नहीं है खोदना। इनको प्यार देखकर आपस में जो मोहब्बत बांटते हैं ना, ये देखकर मेरा भी फिर जुनून आ गया। नहीं तो ज़मीन खैर आपकी थी ना, ज़मीन इनकी है, होटल इनका है, लोकेशन इनका है, बट मुझे आना था यहाँ पे, तो मेहरबानी, तहे दिल से शुक्रिया आपका। सो फाइनली भाई साहब हम जीत गए, गाड़ी हमारी रहेगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कोबरा व्यू पॉइंट, आदिल टेंट सर्विस, केरन, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ये रहा, आप इनको कॉल कर सकते हैं। बट अगर इनको कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करिएगा, व्हाट्सएप पे बुकिंग बना दीजिए, कंफर्म करिए, ये कभी भी आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। ओए होए होए होए, ये उनकी मस्जिद है यहाँ से, और यहाँ से उनका स्कूल ये रहा, और ये सारे जो है इधर से ये प्राइवेट होटल्स हैं। एंड इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने वहाँ से भी होटल्स बना के रखे हैं, छः छः सात सात मंजिला होटल बना के रखा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साइड से भी ऐसे ही टूरिज्म ग्रो करे, हमारे साइड के लोगों को भी रोज़गार मिले। मेन जब आप पहुँचते हैं केरन, जो वहाँ पे स्पॉट आपको देखने को मिलता है, उसके बाद ये लोकेशन पड़ता है। एंड यहाँ पे आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला शाम के टाइम क्या माहौल होता है, क्या लाइटें होती है, क्या शोर होता है, बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात, फुल ऑफ नेचर है यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। और टेंट्स में आप रहना चाहोगे तो टेंट्स भी बहुत सारे हैं, आप रूम में रहना चाहोगे तो रूम भी है बहुत सारे, और टेंट इनके पास बड़े भी है वैसे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और चार्ज ये लोग बहुत कम करते हैं, रूम का ये लोग 500-1000 लेते हैं। और टेंट की बात करेंगे तो 2% या 3% होगा, तो ये सिर्फ 500 लेते हैं। अच्छा, उन लोगों से बात।
लड़कियों से बात कर रहा, पाकिस्तानी कश्मीरी लड़कियों से। अच्छा, शायद ये लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं पहुँची। पानी बहुत ज्यादा है sure. और दो तीन महीनों में ये पानी बहुत कम होगा इधर से, उसके बाद आवाज अच्छे से सुन लेता है वहाँ से बंदा। ये बहुत कुछ पूछ रहे थे वहाँ से लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। शायद पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं, और अच्छी लोकेशन है। और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ से भी हमारे साइड से बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ से ट्रैक भी है ऊपर, बहुत अच्छी ग्रीनरी है इधर से भी। अभी हम जाएंगे वहाँ और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह खोलेंगे और कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लीजिए भाई साहब, अभी जो आप अजान सुन रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से आप सुन रहे हैं। तो गाइज हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और इंडिया इंडिया का मतलब जो है वो जम्मू कश्मीर, वो भी बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है ना, पाकिस्तान के हिस्से में है, वो भी बहुत खूबसूरत है, आज़ाद कश्मीर POK जिसे आजकल जो है वो बोला जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड लगी कि वो बुजुर्ग जो है वो अपने घर में अकेले रहते हैं और उनकी बेटी वहाँ सामने थोड़े से ही फासले पर है, बट वो उसको मिल नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर है और ये वो। मैं कहती हूँ यार, इतना मतलब ये ऐसे जो लोग होते हैं उनको उनके रिलेटिव से जो है वो मिलाना चाहिए, फिर ऐसे मतलब बहुत ही सैड फील हो रहा है इन लोगों के लिए। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो व्यू बहुत अच्छा था, वो जैसे खड़ी होकर लड़कियां सामने पाकिस्तान की थी उनसे बात कर रहा था वो, और पानी का शोर था तो इसलिए उसको सुनाई नहीं दिया। ओवरऑल कश्मीर दोनों का बहुत खूबसूरत था, पाकिस्तान का भी और इधर इंडिया का भी। और एक चीज़ का और मुझे सैड फील होता है यार, ये क्यों दोनों अलग हो गए, इंडिया पाकिस्तान, इनको एक होना चाहिए था। बहुत ही मज़ा आता, बहुत ही कमाल की हर चीज़ होती, खूबसूरती यार इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। चलिएगा इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।